आज त्रिकेट के पीछे बैठे हुए हैं। हाँ? ये आपको सब पता है? नहीं मतलब कोई दिक्कत है क्या आपको आज? नहीं दिक्कत नहीं। पिछली बार क्या हुआ था इस केस में? इसलिए बुलाया गया था कि साथ क्यों नहीं रहना चाहती। हाँ ये गई थी पहले एक दो महीने, रही नहीं एक आध महीने। हाँ पर उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, इसलिए नहीं रहना। ये तो पत्रकार है ना, पत्रकार भाई है ना ये तो। क्या बात है भाई, रख लो बताओ भाई। इन्होंने ना बस स्टैंड पर आए, ये आप बैठ जाओ मैडम, आप बैठ जाओ बस स्टैंड पर आए, यही बैठ जाओ, रघुवंशी की बगल में सीट वीट होगी, देख लो बैठ लो, कोई दिक्कत। तो वहाँ जाके उन्होंने ना मना कर दिया, तू घर जाके क्या करेगी, रहने दे। मैंने कहा मैं मिल लूंगी ना पापा जी से घर जाने के लिए, और दीदी भी थी उस समय इनकी बड़ी वाली दीदी, तो मैंने कहा चलती हूँ मैं। तो उन्होंने आधे घंटे सर वही टाल दिया, पर जाने नहीं दिया उन्होंने कहा, और लड़की लड़की बस में वापस बिठा दिया सर। तो इनके इनके परिवार में कितने लोग हैं सर? हम ही दीदी आती जाती रहती है सर, कोई ना कोई। तो अब तो दीदी तो आई तो अच्छी बात है ना, परिवार के लोगों को तो आना जाना चाहिए घर के अंदर। फिर वो दीदी से फोन पे बात करवा दिया, दीदी ने भी मना कर दिया कि क्या करोगी आके, इनके दीदियों की तो। आप समझ नहीं रही बात को, देखिए दीदी का अपना घर है, आपका वो आपका घर है, तो उस घर को चलाना आपका काम है कि दीदी का काम है? नहीं सर, पर वो रहने ही देते ना उस वहाँ पे। नहीं तो आप कब से अलग रह रहे हो? 9 से 10 साल हो गए। क्यों आप ऐसा करते हो? आप रहे हो जा करके वहाँ पे आप, अगर आपको इसी प्रकार से चलना है तो देखिए हम इसी बता दें आपको। नहीं सर, बहस का कोई अंत नहीं होता। नहीं सर, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, पर ये अच्छी से तो रखे, परेशान करते सवाल अच्छे। देखिए अच्छे अच्छे का दोनों पहलू देखने पड़ते हैं, आपका व्यवहार भी और उनका व्यवहार भी। और उम्मीद करते हैं कि आप दोनों लोग ऐसा व्यवहार करेंगे ताकि एक हस्बैंड वाइफ जैसे रह सके आप। मैं तो सर रहना चाहती हूँ। कितने बच्चे हैं आप लोगों के? सर एक बेटी बच्ची है। वो कहाँ पे है? तो उसको लाओ, उसको साथ में जाओ, आज साथ ले जाओ तुम इनको। मतलब 13 मैडम, अगर आपको नहीं जाना है तो आप मना कर, हम ये नहीं कहते। देखिए मैं चीज बता दूं आपको, हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि शादियाँ जो बिगड़ गई हैं किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से या किसी गलत फहमी से वो रिजॉल्व हो जाए। नहीं लड़ना, नहीं रहना चाहती मत रहो, हम लोग क्या करेंगे भाई, एट द मोस्ट हम जुडिशियल ऑर्डर पास कर देंगे मेरिट्स के ऊपर। तो और लॉजिकली लड़ना, लड़ो, लॉजिक का कोई एंड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट होती है अगर, तो वहाँ भी लोग लिटिगेशन लेके पहुँच जाते, और पर्टिकुलरली इस टाइप की लिटिगेशन जहाँ पे बहस का कोई सेंस ही नहीं है। इसमें कौन सा कानून इन्वॉल्व है आप बताओ, सिवाय इसके कि आप इनको ब्लेम करो, ये आप पे ब्लेम करें और उसको हम लोग सुने यहाँ पर। टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, रहना तो रहो, नहीं रहना मत रहो, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे जो करना करेंगे। सर मैं रहना चाहती पर ही अच्छी। तो आप जाइए, अगर सवाल अच्छे बुरे का क्या, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जिसकी जो हैसियत से वैसे वो रहेगा और रखेगा आपको। अब आप ये सोचो कि आप जो ज्यादा उम्मीद किए हो वो हम उससे नहीं बोल सकते, जितनी उसकी हैसियत है उसे आपसे करेगा। हमने पहले रिक्वेस्ट इसीलिए करी थी आपसे कि एक महीने रह के आओ, देख के आओ क्या रहता है, कैसे रहता है, फिर देखते हैं। आप मुझे अब बार बार आप जो बोलती हो ना व्यवहार अच्छा नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सामने आदमी खड़ा, बताओ क्या उसने मिसबिहेव, तो अच्छी से रहते पर वहाँ जाके परेशान करते हैं। क्या मिसबिहेव किया आपके साथ में? तू क्यों आ गई, लिख के दे दे तू कोर्ट में, क्या लिख के दे, क्या लिख के दे दे, मैं रहना नहीं चाहती हूँ, ये लिख के दे दे, ये बोलते हैं पापा जी इनके मतलब हमारे। तो आप एक काम करिए, आप क्यों भाई क्या लिख के दे दे बताओ। श्रीमान अगर मेरी ऐसी इच्छा होती मैं इनसे बोल कर लिखने का, तो मैं यहाँ आपके सामने भी मना कर देता, मैं रखने को तैयार नहीं। और कोई यहाँ का कोई प्रेशर नहीं है, कोर्ट का कोई प्रेशर नहीं है। कोर्ट में तो हम जो लोग आप रजामंदी करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो जो कोर्ट में केस चलेगा अपने हिसाब से फैसला होगा, उसमें जो उसमें मेरिट्स होगी उसके उसको देखते हुए। बच्ची का प्यार भी नहीं मिल पा रहा, ना दादाजी को मिल पा रहा, ना हमें मिल पा रहा जिनके साथ में है। देखिये आप इनको बोल दो कि जाएं वहां पे और जाके रहें, अगर रहना है, नहीं रहना है तो क्लियर कर लो उसको, नहीं सर हम हमारा नहीं जमेगा, इनसे नहीं रह सकते।
नहीं सर, रहना चाहते हैं, बाकी ये है ना वहाँ रहते हैं तो मेरे पास, मैं कुछ भी सामान का बोलती हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है। देखो मैडम ऐसा है कि अब ये तो सब चीजें फैमिली के बीच में रहती हैं, किस आदमी कितनी हैसियत से, उस पर कितनी कितनी आमदनी है, सब उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो सर बच्ची को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। पढ़ाओ ना, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए भी। और मुझे उम्मीद है कि ये इतना खर्च करेंगी बच्ची की अच्छी 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 उसकी तामील तालीम हो उसकी। सर सर 7 साल हो गए, 7 साल से इन्होंने मतलब, देखो वही है, क्वेश्चन नहीं दिया, इनका रिकॉर्ड वही घूम रहा है। ये शी इज नॉट प्रिपेयर टू गो तो विल प्रोसीड लेटर नॉट गो, मत जाने, नहीं जाना मत जाओ। आज लगा किस लिए, कैसे? ठीक है, हम फिर बंद करते हैं मुकदमा आपका, जाना है तो जाओ अभी आज, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लिख देते हैं कि रेजोल्यूशन डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो सकता है, अब केस को मेरिट से सुनवाई होगी, आप तय कर लो। यू हैव कम हियर अगेंस्ट द रिफ्यूजल टू ग्रांट डिवोर्स दैट वाज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसर्शन, वी विल सी व्हेन द टाइम कम्स, यू जस्ट यू पे हर द इंटरिम मेंटेनेंस व्हिच यू आर व्हिच वी हैव ऑर्डर्ड। हाउ मच इज द अमाउंट एवरी मंथ? 2,500, 1,000, 1,500 for the lady, and 1,000 for the girl. Born of their wedlock, it is indeed disappointing. Stop. Now, the Upadhyay prays for 4 weeks time file reply to IA number. List after 4 weeks. 1915. List in due course. Chal, jao.